अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अब अपनी छोटी वाली उंगली से, ये वाली उंगली दूसरी नहीं चलेगी, फालतू तो बकवास मत करो, उंगली कोई भी हो सकती है। अपनी छोटी उंगली से अपनी नाक की एक साइड बंद करो और अपने फेफड़ों में हवा का संचार करो। सांस लो अत्रेया, छोड़ो। ये करने से जेल से छुटकारा मिल जाएगा? जेल से छुटकारे का तो पता नहीं, पर तनाव से छुटकारा जरूर मिलेगा। क्या चल क्या रहा है? जेल की हवा खा रहा हूँ दोस्त। अच्छा, पुलिस ने तुम्हें यहाँ बंद किया और तुम हो कि उनसे कुछ भी नहीं कह रहे? उनसे क्या कहूँ मैं? अरे उनसे कहो तुमने कुछ नहीं किया। पता है जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहाँ योगा करने में बिजी हो। उस दिन अस्पताल के सीसीटीवी में, बैंक एटीएम सीसीटीवी कैमरा में, कार रेंटल एजेंसी के कैमरा में, हर जगह वीडियो प्रूफ मिल जाएगा। मैं अजय का पीछा कर रहा था, अजय के धोबी या सिक्योरिटी गार्ड में से कोई ना कोई पहचान लेगा मुझे। जिस दिन अजय मारा गया उस दिन मैं कपड़े बदल बदल के उसका पीछा कर रहा था, जिसका सबूत मौजूद है। और तुम कह रहे हो मैं पुलिस से कहूं? सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं सर। ये लोग मुझे बर्फ पे लिटा देंगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। अजय की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्राइम सस्पेक्ट मैं ही हूं इन लोगों का, इतना तो मैं समझ गया। मगर अजय को किसने मार दिया? अजय और हर्षा ने साथ मिलकर। हर्षा, हर्षा कहाँ है? पता नहीं एजेंट। जब अजय की मौत की खबर आई तो हर्षा सामने नहीं आया? नहीं। हर्षा को फौरन फोन करो। फोन नहीं उठा रहा है। That's it. अजय और हर्षा का रेस्टोरेंट के बाहर झगड़ा हुआ था। हाँ। अब अजय की मौत हो गई है और हर्षा गायब हो गया है। तुम लोग कैसे भी करके ये पता लगाओ कि हर्षा कहाँ है। अजय की मौत में प्राइम सस्पेक्ट हर्षा ही है। क्विक। ठीक है। ठीक है एजेंट। हर्षा घर पर है क्या? उनकी बॉडी कब मिलेगी? पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। अजय और हर्षा को किसी ने बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उनकी बॉडीज को पहचानने के लिए उनके सामान की जांच करनी पड़ी। पूरे बॉडी पार्ट्स तो अब तक मिले भी नहीं है, सिर्फ एक मर्डर वेपन मिला है और उस पर भी आपकी आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स? और इतना ही नहीं, उन्हें अजय और हर्षा के घर पर ड्रग्स मिला है और वही ड्रग 100 ग्राम कोकेन तुम्हारे घर पर भी मिला है। What? और इसी वजह से तुम्हारे खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो इस केस को ड्रग माफिया से जोड़ रहे हैं। पुलिस का मानना है कि तुमने इसी वजह से उसे मारा। कल ये हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन होगी। फेमस हो गए तुम, खुश ना? One second. जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ उसी दिन मारुति राव मेरे सेल में आया। जब उसने अपनी बेटी के बारे में बताया उसके बाद मैंने ये केस लिया है कि नहीं, मुझे क्या पता था। मुझे लगा मैं एक बूढ़े की मदद कर रहा हूं, ये केस सॉल्व करूंगा तो हमारी एजेंसी का नाम बढ़ेगा। और मुझे लगा इतने दिनों बाद इतना बड़ा केस मिला है हमको। ये केस हमें नहीं मिला है, ये केस हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आया है। सोच के देखो क्या कर रहा था मैं। अजय और हर्षा को फॉलो करके केस सॉल्व करना चाह रहा था ना, कुछ भी नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही नहीं। हर मोड़ पे ये लोग मुझे धोखा देके मेरे खिलाफ एविडेंस प्लांट कर रहे थे। और उस दिन वो चाकू वो सड़क पे गिरा हुआ था, मैंने उठा के रख दिया। वहीं से उन्हें मेरे फिंगरप्रिंट्स वहीं से मिले होंगे। मर्डर वेपन क्या है? नारियल काटने वाला कोयता। दैट्स इट। अजय और हर्षा की मौत भी उन्हीं लोगों ने प्लान की है। इस प्लान का और इस मर्डर का इल्जाम मेरे सर पे डालकर ये लोग मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। उस बुड्ढे का नाम मारुति राव नहीं है, गोपालम है। गोपालम ने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब बिल्कुल झूठ था। अथरिया मेरी बात सुनो, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तुम कोई शर्लॉक होम्स नहीं हो तो ये केस को भूल जाओ प्लीज। शर्लॉक होम्स एक कहानी का किरदार है, एजेंट साई श्रीनिवासा अथरिया असली है। मुझे बेवकूफ बनाया, बहुत सही, बहुत बढ़िया काम किया। अब केस इंटरेस्टिंग हो गया है। इन लोगों को पकड़े बिना मैं दम नहीं लेने वाला। पर हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें। पहली, अजय और हर्षा कहां कहां गए और किस किस से मिले पता लगाना होगा, तभी हमें पता लगेगा कि वो लोग कर क्या रहे थे। दूसरी, गोपालम ने 3 नंबर दिए, अजय, हर्षा, वसुधा। 2 लोग मारे जा चुके हैं। वसुधा वो या तो मर चुकी है या फिर मरने वाली है। वी नीड टू फाइंड हर क्विकली। थर्ड, मुझे बेल दिलवा सकते हो क्या? तुम्हारे खिलाफ केस काफी स्ट्रांग है। बेल अप्लाई तो करना। कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे शिरीष, अच्छा ये अजय की मौत किस टाइम पर हुई थी? 9 बजे। पर 9 बजे तो मैं सब जेल में गया हुआ था। सच में? गोपालम के बारे में इंक्वायरी करने गया था, तो अजय को कैसे मारता? तुम सब जेल जाओ, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो और इस बिना पे बेल अप्लाई करो कि मैं मर्डर के टाइम वहां था ही नहीं। सही है, मैं काम पर लगता हूँ। ओके, सी यू। जेल के कैमरा की फुटेज क्लियर नहीं थी,
इंटरिम बेल मिली है 5 दिन की। अब तुम्हें सबूत इकट्ठा करने अपनी बेगुनाही के। तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही दिन है, तुम्हें रोज पुलिस स्टेशन आकर साइन करनी होगी। ठीक है, थैंक्स यार। तू भी चलना है हमारे साथ? नहीं, मैं चलता हूँ, कावली एनजीओ जाना है, वहां भी बहुत काम पेंडिंग है। ओके, मिलते हैं। मैं फोन करता हूँ। ठीक है, थैंक्स यार, बाय। एजेंट, कल आपने जो वो शर्लॉक होम्स वाला डायलॉग मारा था ना, कमाल का था। कॉमेडी था पर जोश पूरा था। वैसे अब आपका ब्रिलियंट प्लान क्या है? मेरा प्लान ध्यान से सुनो। आज नेल्लोर में एमएलए के बेटे की शादी है, हमें वहां पर जाकर जिल 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 डांस करने का प्लान है मेरा। प्लान क्या है हमारा? 2 मर्डर केस है मेरे सर पे, वो सॉल्व करें। निकल गए। एक्सक्यूज मी। यस, ये आदमी यहाँ पर आया था क्या सर? आप कौन है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया हूँ। वो किस लिए? स्नेहा, एजेंट, वो बच्चों का किडनैपर हमें अभी तक मिला नहीं ना? नहीं एजेंट, मैंने ढूंढ लिया। वो कौन है एजेंट? इमरान कार्स का ओनर अब्दुल, एक फ्रेंच बियर्ड वाला बच्चों को किडनैप कर रहा है। ये हमारे रेगुलर कस्टमर है सर, 3 दिन पहले इन्होंने वेंकटाचलम के लिए कैब बुक की थी, कल वो दोबारा आए थे क्योंकि कोई सामान गाड़ी में छूट गया था। यही सच है सर। वो अपनी पर्सनल चीजें लेने के लिए आया था? जी सर, वो कल अपना सारा सामान ले गए। वो पिछले 4 दिनों में छपे अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मांग रहे थे। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज? हाँ हाँ सर, वेंकटाचलम रेलवे ब्रिज के पास उन्हें एक लाश मिली थी सर, वो तब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेरे पीछे पड़े थे। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, यहाँ लावारिस लाशों का पोस्टमार्टम करने का वक्त नहीं है किसी के पास। वो रिपोर्ट में कुछ भी लिख कर भेज देते हैं सर, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी का किडनी फेल है, जो मन में आए वो लिख देते हैं। काम खत्म, पैसा हजम। और इतना ही नहीं, ये साइन देखिए सर, ये सतीश का है, लेकिन इस हॉस्पिटल में सतीश नाम का कोई डॉक्टर है ही नहीं, वो ऐसी ही रिपोर्ट मांगने आते थे सर। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स बाहर आ गई तो आप ही सोचिए, मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा ना सर। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हर्षा को मैं काफी वक्त से जानता था, क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट था वो, और अजय किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के केस पे काम कर रहे थे। वेंकटाचलम ब्रिज के पास मुझे एक लाश मिली थी, तभी मैंने उन्हें बुलाया था। उस दिन हर्षा बहुत जल्दबाजी में था, उसकी बाइक की चाबी कहीं गिर गई थी, इसलिए हम वहां वापस गए वो चाबी ढूंढने। स्नेहा, ध्यान रखना, यहाँ कांस्टेबल है, मैं फोन पे तुम्हें गाइड करता रहूंगा। आप कौन है? मैं इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आई हूँ। पर पहले ही कुछ लोग आकर गए हैं। हाँ, ये सेकंड लेवल इन्वेस्टिगेशन है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? मैं किस पर शक करूंगी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या अजय जी ने आपको उस रात से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स दिए थे? कुछ भी नहीं दिया था। याद करने की कोशिश तो करो, शायद कुछ याद आ जाए। याद करो, क्या याद करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं दिया, परेशान मत कीजिए। ऐसी बात नहीं है मैडम। स्नेहा, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। दरवाजे पे जाओ, वहीं रुक जाओ, अब पीछे मुड़ जाओ, उसकी तरफ देखो और जो मैं कह रहा हूँ बोलो। मैडम, आपके हस्बैंड को बेरहमी से मारा गया। आपके पति की बेरहमी से हत्या हुई है। सिर्फ हम ही हैं जो उनके कातिल को, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मदद नहीं करेंगी कि अजय क्यों मारा गया और उसे किसने मारा, ये राज ही रह जाएगा। अजय की मौत के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। फैसला आपको करना है। एक मिनट। यस। कुछ मिला? इसमें तो उन लावारिस लाशों की फोटोज हैं, यानी 18 तारीख को ये दोनों उंगल फोटोज खींचने गए थे। एजेंट, घर पर कोई है? लगता है हवलदार तो सो गया। ए, उठ गया, घूम जाओ, उसे मत देखना। और बताओ, कुछ भी कैजुअल बातें करो, कैजुअल। बिल्ली को खाना डाला? हाँ। बिल्ली छाछ पीती है क्या? हाँ। तुम्हारी बिल्ली का नाम क्या है? एजेंट बुलाती हूँ। चला गया क्या? गया। चलो।
एजेंट। क्या हुआ? एजेंट, ये वही कवर है जो उस दिन किसी ने हर्षा को सुपरमार्केट में दिया था। मेरा नाम लिखा है इसमें, तो मेरी डिटेल्स है। चलो चले। एजेंट, मेरा मोबाइल वहां छूट गया। स्नेहा, स्नेहा कांस्टेबल वापस आ जाएगा, बस अभी आए। जल्दी करो। टेंशन क्यों ले रही हो? किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, मतलब इन्वेस्टिगेशन सही जा रही है। तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा।